परेशानी का अगर करना हो काम तमाम तो प्लीज कर दो कॉमेडी सर्कस के नाम ये शाम। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, जहां जोड़ी जमाएगी रंग और पब्लिक हंसेगी संग। पर इससे पहले कि हम शुरू करें हमारे हंसने हंसाने का मिशन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर एस्टीम्ड जजेस अर्चना पूरन सिंह, सतीश शाह एंड नॉट टू फॉरगेट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर जज शेखर सुमन। कल आज के एपिसोड की थीम है फ्री स्टाइल, जिसमें सब दिखाएंगे अपने इंडिविजुअल स्टाइल का फ्री जलवा। लेकिन नथिंग कम्स ईजी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक जोड़ी हमें ऑलरेडी छोड़कर जा चुकी है, वैसे ही आज भी किसी एक की बारी है। अब वो कौन सी जोड़ी होगी ये तो हमारी ट्विस्टर एलिमिनेशन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों गेट रेडी फॉर खूब मस्ती एंड खूब धमाल। चलिए शुरू करते हैं कॉमेडी सर्कस का कमाल। तो आ रही है हमारी पहली जोड़ी। मैं हूं शकील सिद्दीकी और ये है श्रुति सिद्दीकी। हेलो श्रुति सिद्दीकी, कौन है? ये मेरा शो है, आप यहाँ क्यों एंकर कर रहे हैं? तेरा पैसा लगा हुआ इसमें। जोड़ी जोड़ी बनाते हैं कॉमेडी, देख तेरी मेरी जोड़ी कैसे होगी, जैसे पुलिस और रिश्वत। पुलिस और रिश्वत? मैं पुलिस तू रिश्वत। तू रिश्वत हो, हर आदमी लेने की कोशिश करेगा। शरीफ से शरीफ अफसर का ईमान डगमगा जाएगा। ये रिश्वत है, आज से हम भी ले रहे हैं भाई। इतना कस के बाल बांधा हुआ, जो भी परेशान होंगे कहाँ घूमू मैं। बस 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 शकील भाई, आपके साथ आज मैं इंटरव्यू करूंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद। क्या बात है, मेरा इंटरव्यू? हाँ, बस बस बस। थैंक यू यार, मेरा इंटरव्यू। तो लाफ्टर का पहला डोज लेकर आ रही हैं ऑफ कोर्स हमारी पहली जोड़ी। बॉलीवुड के दो लोकल मिल गए हैं 12:35 की लोकल में। एक है बालाजी के कास्टिंग डायरेक्टर कृष्णा, तो दूसरे हैं स्ट्रगलिंग एक्टर सुदेश। अब लोकल लोकल खेलते खेलते क्या हुआ इनके बीच is worth watching. So please welcome Krishna and Sudesh. Well, लगता है आज ब्रश नहीं किया। आपको बदबू आई होगी ना? I'm sorry. भाई साहब मेरा। अच्छा अच्छा, सॉरी। अबे यार मेरा फोन है, मैं निकालूंगा। तू? नहीं निकालू, आवाज पहले मुझे आई थी। हेलो। अब मेरा। हेलो। हेलो, क्या है? आज उसकी शादी है? मर गया सची? घोड़ी बाजा आ गया? पर थी कफन ले आयो? अरे आप लोग नाच गाना शुरू करो, मैं पहुंच रहा हूँ। रोना धोना शुरू करो, आता हूँ मैं फिर। क्या दूल्हे राजा अभी तक उठे नहीं? तो ऊपर बर्फ लगा दो फिर। अरे तो उठाओ उनको, नहीं तो लाश खराब हो जाएगी। अच्छा वो पंडित का क्या हुआ? पंडित, एक मिनट, भाई साहब आपका भी मर गया कोई? अरे बकवास ना करो, मैं थप्पड़ मारूंगा मुंह पे, अकल ही नहीं है, समझता क्या अपने आप को तू है? अबे क्या बकवास कर रहा है तू, बंद कर, बाद में करना, उसको कह रहा हूँ। अकल नहीं है तीने इनको, कहाँ फोन करना है, बंदा कुछ कर रहा होता है। बाद में बात करता हूँ, बाद में। हाँ चलो, एक बार डंडा अपना पकड़ो। बकवास ही करे, अकल नहीं होती ना कहीं को, है ना भाई साहब? एक मैं बात करूँ जरा, मान लो, मिसाल दे रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना। मान लो मिसाल की तौर पे मैं आपका जीजा हूँ। क्या बकवास कर रहा है बे तू? मिसाल दी है क्या? अपना रास्ता ना, आप जीजा हूँ तेरा। चलो आप मेरे साले हो। हाँ, हाँ? अबे क्या बकवास कर रहा है तू? मिसाल दे रहा हूँ, क्या गुस्सा क्या कर रहा है? डंडा अपना पकड़ो। चलो मिसाल की तौर पे मान लो कि आप ना गाड़ी में जा रहे हो। हाँ है? हाँ। सुंदर सी लड़की आपके साथ बैठी है। अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया। अबे तू मिसाल दे रहा है, मिसाइल दे रहा है? ऐसी गंदी मिसालें अपने ऊपर ले।
अपना डंडा पकड़ो। चलो मैं अपने पे मिसाल देता हूँ। मान लो कि मेरी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, मान लो उसमें से 50 लाख मैंने आपको दे दिया। हाँ। पैसा देखते ही आपको हार्ट अटैक हो गया। क्या गंदी मिसालें दे रहा है तू यार, क्या कर रहा है? मैं मिसाल दी है, तू बहुत ही बदतमीज है, ज्यादा ही यार तू है। अकल ही नहीं तेरे को, क्या समझे गुलाबी कमीज पहन के हैं? मूछे रखने से बंदा मर्द नहीं हो जाता। बे मैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर हूँ, अबे मेरी ट्रेन मिस हो गई थी इसलिए आ गया तुम भिखारी लोग के साथ में। तो मैं भी फर्स्ट क्लास में कई बार गया हूँ, बाहर निकाल देते बिदोट वाले को, मैं क्या करूँ। अब फोन सुन तेरा ही आया, पता नहीं अपने आप को समझते क्या। हेलो हेलो। हाँ स्मृति रानी जी पहुँच गई। हाँ जी जी आई। हाँ उनको बोलो कास्टिंग डायरेक्टर कृष्णा से मिलने पहुँच जाओ यार, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हेलो। हाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है भाई साहब। हाँ आप कृष्णा को जानते? हेलो कृष्णा को जानते हो आप? अबे मैं ही कृष्णा हूँ। आप हो? हाँ। सच्ची? हाँ। जरा मेरे डंडा पकड़ना ऊपर से पहुँच होने पहचाना मेरे को। कौन है? नहीं पहचाना है। एक मिनट जरा। वाह साहब यार। एक मिनट अब कौन है यार तू? यार मैं स्ट्रगलर। स्ट्रगलर? अपना डंडा पकड़। अपना डंडा पकड़। पकड़ा हुआ है क्या? हुआ स्ट्रगलर नहीं, क्या हुआ क्या है यार? छोटा मोटा रोल दे दो अपनी फिल्म में, चाहे हीरो का ही दे दो। अबे तूने अपनी शक्ल देखी है? क्या शक्ल को क्या हुआ? वो स्ट्रगल की मैंने पढ़ा। अच्छा। हाँ जी क्या क्या किया तुमने बताऊ? हाँ बताओ। वो अमिताभ बच्चन जो फिल्मों में आते कई आते ना, वो उनको जो करोड़पति मिल रहा था, करोड़पति मिला था ना। हाँ। पहले मुझे मिल रहा था। अच्छा। मैंने कहा यार बुजुर्ग की रोटी पे लात नहीं मारनी। नहीं अच्छा। मना कर दिया फिर मैंने। अच्छा। वो फिल्म देखी आपने धूम 2? हाँ देखिए। तो मैं कहा जाओ भागो यहाँ से मेरे पास है, मैंने 1 नहीं की मैं 2 करूंगा। बहुत काम किया सर। क्या सोच रहे हो आप? सोच रहे हो भी इतना काम मिल रहा था किया नहीं है ना। दरअसल बात यह है कि हम स्ट्रगल करने आए, काम करने थोड़ी आए। अरे वो देखो उधर से श्रुति भी आ रही गाड़ी में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह माय गॉड, आप दोनों ने हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया है। देखते हैं हमारे जजेस को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। अर्चना माय गॉड Sudesh, single-handedly, you are one of the most talented people I have seen. You really, absolutely mind-blowing. And it is not a perfect 10, so I will give you a 9 for it. Thank you. Sudesh and Krishna, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि beginning में आप लोगों ने जो pose लिया था initially आते से ही, वो एक दूसरे को चिपक के जो हिल रहे थे रिधम में, वो बीच में कहीं खो गया, वो घूम फिर के एक दूसरे पर लिपट कर वापस वहाँ आ जाते तो ज़रा और विजुअली और मज़ा आता। मगर नेवरदलेस आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैं आपको दूंगा, अगर सही चीज़ मिल जाए मेरे हाथ में, ये लीजिए। थैंक यू। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने खड़े होकर परफॉर्म किया, मैं ट्रेन में बैठे हुए आप लोगों को जजमेंट देता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। थैंक यू सर। थैंक यू। कॉन्टेंट वॉज एक्सेलेंट, आप लोगों का कोऑर्डिनेशन भी था, जो गलतियां हैं वो पूरी तरह से माफ है। क्योंकि ये एक मुश्किल परफॉर्मेंस था और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। थैंक यू सर। मैं वाकई ये शुरू से भी कहता आया हूँ और पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि इसकी USP और यूनिकनेस यही है कि आप लोग एक जो अलग अलग बिल्कुल थॉट लेके आ रहे हैं, जो कभी देखा नहीं और देखा तो उसको इतने नए अंदाज में आप लोग पेश करते हैं कि गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब आगे क्या होगा। और जो देखते हैं वो हमेशा हमेशा बहुत अच्छा होता है। इट्स ऑलवेज टॉप रेट। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। इनके बारे में अर्ज किया है, कभी भाई के दिन भी आते हैं जब वो लड़की देखने जाते हैं। कहानी इस बात की है दोस्तों कि ये रापचिक माल वो घर लाते हैं या फिर पिछवाड़े पर लात खाते हैं। चेक दीज ब्लास्टर्स, रहमान एंड चित्राशी।
बच्चे कासे सो रहे ले अरे मुल्ले वाले जाग रहे ले बहुत सही वेंजो पार्टी बहुत सही अंगार आप उन जावेद टेटे आपकी तारीफ जी ये तो बहुत ही छोटा नाम है यार अच्छा जो आप क्या करते हैं जी आप उन कलेक्टर है कलेक्टर फिर क्या आप पूरे एरिया का हफ्ता आप उन्हीं कलेक्ट करते हैं और कैसी हो कैसी लग रही हूँ जी एकदम बच्चे लोग की उम्र हो जान लग रही हो और एक बात बोलने का बहुत सिंपल वाली में रहती रे तू क्या आजकल के हिसाब से थोड़ा बहुत एकदम ढिंचक रहना मांगता ना अंगार रहना मांगता ना जाऊं देखिए वो आपको लग रहा है कि मैं बहुत सिंपल में रहती हूँ अच्छा? वरना अंदर से तो मैं बहुत कमाल की लड़की हूँ ठीक है जरा दो तीन अंदर वाले कमाल करके दिखा अच्छा ये भी क्या हमालगिरी पे लगा दिए तू तो क्या अचानक में भयानक कर रही है कैसी लग रही है एकदम दूरदर्शन से एमटीवी हो गई ली आंखें बंद करो यार सुक्का सुक्का दे रहे ली यार ले बंद किया ओ छोटे खा ली भाई ए जल्दी आंख खोल ले दे हाथ लाओ ओ हो एकदम अभी एमटीवी से एफटीवी हो गई ली एकदम मलिका शेरावत का पासपोर्ट साइज फोटो लग रही ली बड़ी हो कि क्या बनेंगी हेलो मैं बड़ी ही हूँ तो ये छोटे छोटे कपड़े क्यों पहने ले ये मेरा ड्रेस है ये ड्रेस नहीं है बहुत ही गलत एड्रेस है कभी भी कोई भी खटखटा के आ जाएगा वांदे हो जाएंगे समझी क्या छी कितनी चीप बातें करते हो आप उन ऐसी है भाई चीप एंड बेस्ट रस्ते कमाल सस्ते में अरे सब सही है दूध दही है मावा मस्का उसी का चस्का है अबे मरती रहते जिंदगी वाट पगार 160 है खाने वाले आटे चिल्लम चाटे मैदान सपाटे एक थप्पड़ दूंगी ना मुंह घूम जाएगा मैं भी एक फूक मारूंगा तू घूम जाएगी ए हाथ मत मोड़ा दुखता है तुझे बागड़ बिल्ले जब से इतनी बकबक करेला था क्यों बे दूरदर्शन जब से इतने बोल बच्चन कर रहा था अभी तेरी पैंट फट गई नहीं नहीं पैंट नहीं हाँ पैंट फट गई देखो मैं बोल रहा हूँ एक मिनट सुनिए ना ए मिनट बदल सुनिए सिर्फ ऊपर का माला तो खाली है हाथ छोड़ता हूँ बहन जी अल्टी पल्टी ले ले कल्टी ले लकड़ी हवा पकड़ी आधा बाहर आधा अंदर दिल दरिया बाकी सब समंदर समझ का फेर है गाजर दो बेर है दिल्ली आगरा अजमेर है अगर कोई भी शेर है दुम लगाने की देर है बाकी तो प्रतिका ढेर समझा कारोबार पे लात मारे समझ गया समझ गया इन लोग को समझाऊं क्या समझा ओ बंटा अपन बोल रहे हैं ना भाई मार्क्स दे दो बहुत धुलाई हो रही गलत गलत एड्रेस पे खटखटाते हैं Arjuna, how did you like this performance? Short and sweet, just like Chitrashi. Chitrashi, you, when you got into it, you were so terrific. Rahman, you were brilliant. So I will give you an 8. Thank you. Thank you very much. Thank you. पहले रहमान के बारे में बोलूंगा रहमान बहुत दिनों बाद मैंने इतनी सरलता से किसी को बम्बैया हिंदी बोलते हुए सुना है थैंक यू सर चित्राशी यू वर आल्सो वेरी गुड आई लाइक यू ऑल आई विल गिव यू 8 थैंक यू सर 8 पॉइंट थैंक यू चित्राशी यू आर अ डायनामाइट तीखी मिर्ची की तरह है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट यू बोथ हु आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एक्सट्रीमली लवेबल एंड एक्सट्रीमली क्लैपेबल सो आई विल क्लैप फॉर बोथ ऑफ यू I'll give you 9. Thank 9 points. Very good. Congratulations. आ रहे हैं दो महान सेलिब्रिटी के दो भोले से नौकर जिन्हें पता ही नहीं कि भोलेपन में उनके साथ क्या क्या हो जाता है मालिक तो मालिक नौकर सुभान अल्लाह प्लीज वेलकम शक्ति कपूर की भोली नौकरानी काम्या और राखी सावंत के भोले नौकर राजीव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़
किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया, सारे मुझे देखते रहो किन्ना सोना मुझे। घर में कोई है, 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 हेलो है। आगे हमारा घर खत्म हो जाता है, इधर देख। ओए, कभी स्मार्ट लड़का नहीं देखा? हाय रब्बा, क्यों दिया इतना हुसन, इतनी कशिश है मेरे चेहरे में, मुझे देख के लड़कियों की चीखें निकल जाती हैं। कौन है तू? जी वो पड़ोस में रहते हैं ना कपूर जी। कौन, इधर वाले कि उधर वाले? वो जो इधर उधर जाते रहते हैं। शक्ति कपूर जी। लो, शक्ति कपूर के साथ जी लगा रही है। जी मैं उनकी वो क्या 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 नौकरानी हूँ। बता ऐसे रही जैसे बीवी होती है। नाम क्या है तेरा? गलत गलत, मैंने तेरा नाम पूछा है, तेरे मालिक की करतूत नहीं पूछी। ओफो, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रामलाल गोरे। हाय राम, फिर तो तेरा नाम गलत है ना। मेरा नाम नहीं, मेरी तस्वीर गलत है। वैसे मैं अंदर से ना दूध जैसा सफेद हूँ, ये देख। ये क्या है रे? नया नया नौकरी पे आया है क्या? क्यों, मैंने तो सुना था कि राखी के वहां वो अभिषेक काम करता था। ओए, तुम ही से बात कर, वो हमारी मालकिन का मैनेजर है। मेरे कपूर जी, पता है क्या तुझे? हाँ हाँ, सेम शेम। सेम शेम नहीं, शरीफ, बहुत शरीफ। इतने प्यारे, इतने भोले, भुलक्कड़ है। तुझे पता है जब भी नहाने जाते हैं ना, हाँ? तो टॉवल बाहर भूल कर जाते हैं हमेशा, और जब मैं उन्हें टॉवल देने जाती हूँ ना, हाँ? तो कभी टॉवल नहीं पकड़ा, हमेशा मेरा हाथ ही पकड़ा है। अबे ये कहाँ का शरीफ है। मुझे आज पता चला कि तेरा नाम गलत क्यों है। तू गलत, तेरा खानदान गलत, तेरा मालिक गलत। मेरे कपूर जी के लिए कुछ मत कहना। तू गलत, तेरा खानदान गलत, तेरी मालकिन राखी गलत। ओए, वो बड़ी शरीफ है, तेरी तरह नहीं है। जब वो नहाने जाती है ना, टॉवल बाहर भूल जाए, तो कभी मुझे आवाज नहीं लगाती, खुद ही बाहर आ जाती है। और जब अभिषेक घर में नहीं होता ना, और मेरी मालकिन का मूड होता है, तो मुझे अभिषेक समझ के मारती है। ये तो गलत हुआ ना, तू क्यों मार खाता है? सही है, मैं क्यों मार खाता हूँ, मेरा तो कोई फायदा नहीं करती वो। हाँ, फिर तो हम दोनों गलत हुए। चल दोनों मिलके एक गलती करें। हाँ। तेरे पास इतना सा क्या? इतना सा क्या टाइम है? क्यों, शादी सी करनी थी। पहले जाके अपने बाप से परमिशन तो लेकर। हाँ। आ बाप से? वो तो बड़ा, एक काम कर, मेरी रिहर्सल करा दे। हाँ, तू मान ले कि मान ले कि ये शेखर जी तेरे बाप है। इतना सेक्सी बाप। हाँ, तू मान ले कि वो सतीश जी तेरे बाप है। नहीं, क्या हुआ? ये बाप नहीं, ये तो माई बाप है। तो अब क्या अर्चना जी को बाप समझ लेगा? वाह, क्या बाप है। ऐसा ही बाप चाहता था मैं। हटा कटा, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। मम्मी जैसे पापा। इससे शादी कर लूं, कर लूं। चल अब मान गए, हैं? इसी खुशी में मैसेज दो, मैसेज मैसेज। हाँ। हमें ना सड़कों के पार जो पड़े होते हैं ना छोटे छोटे पत्थर, उनको पानी देना चाहिए ताकि पत्थर बड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमें धूप से बचाव मिलती है ना, है ना? नहीं नहीं, आशिकों की मौज रहती है पत्थरों के पीछे। तुझे समझ में नहीं आएगी, श्रुति को समझ आती है। सतीश जी, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? भाई अच्छी थी। नम 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 नम। अच्छी, और मैं क्या बोलूं? और मैं क्या बोलूं, फिर से एक बार बोल दो, अच्छी थी। अच्छी थी, अच्छी थी। तो कितने पॉइंट्स देंगे आप? मैं आपको काव्या की तरफ देखे बार बार कह रहा, मैं आपको 7 दूंगा। सेवन पॉइंट शेखर। अच्छी थी और काफी अच्छी थी, कहीं कुछ कमी थी, और ऐसी फीलिंग क्यों हुई इसका पता लगते ही आपको मैं जवाब दे दूंगा। फिलहाल लिए 7 points। अर्चना, इनहेरेंटली आइडिया वाज नाइस बट यू डिड नॉट टेक इट एनीवेयर। या शक्ति नेवर वेयर्स अ बेल्ट। 7 points।
जाने से पहले शानी शकील से कुछ सवाल कर लेती हूँ, तो आइए। मेरा इंटरव्यू याद आ गया सर। अच्छा जरा बताइए जी, पूछिए। आप पैदा कहाँ हुए थे? चारपाई पे। मैं तो हो ही नहीं रहा था। क्यों हुए फिर? यकीन जान मेरी पैदाइश पे दाई बुलाया नहीं हुआ, नर्स बुलाया नहीं हुआ, डॉक्टर बुलाया नहीं हुआ, लाठी चार्ज कराई पुलिस वालों से नहीं हुआ, सपेरे को बुलवाया। उसने बीन बजाई है, फिर मैं जो दुनिया में मस्त होके आया हूँ। क्या नाज हो सपेरे का। और आती दाई को डसा मैंने, मैंने कहा अम्मा के पैसे बचाओ पहले। और यकीन जानो मेरी पैदाइश पे बाकायदा मोहल्ले में ऐलान हुआ था कि भाइयों बाहर आ जाओ, जिसका डर था वो हो गया है। अच्छा आपके वैसे कितने भाई बहन हैं? हम लोग कुछ 17 बहन भाई हैं, जब मैं चला था इतने ही थे। और यकीन जानो अब तो अब्बा को कोई मुबारकबाद भी नहीं देता, कह रहे दफा करो यार, इनका तो रोज का काम हो गया है। चलिए आगे का इंटरव्यू बाद में करते हैं, अब आप जाके बैठिए। ओके भाई, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यार इतनी देर के लिए बुलाती है मुझे? डिस्कवरी चैनल से आ रहे हैं कुलदीप और उनकी पत्नी शयंतिनी अपनी डब हिंदी जबान में। इससे पहले कि मैं अगली जोड़ी को बुलाऊं, शानी शकील के साथ जो बचा हुआ इंटरव्यू है वो जरा पूरा कर लें। तो बताइए, आप दूसरों को तो जलील करते फिरते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं पता क्यों नहीं पढ़ा, मास्टर अजीब था, हर बात मुझसे पूछा ये बता वो बता ये बता वो। अबे मैंने कहा तुझे खुद कुछ नहीं आता बे। बच्चों से पूछ के तू दूसरों को बताएगा अपने नाम से है? पढ़ा हुआ बहुत हूँ। तू चल बोर्ड पढ़वा ले, कोई सा ही बोर्ड पढ़वा ले। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाद में जाके बैठी। चलिए माशाल्लाह आज तो लाल जोड़े पहना हुआ तुमने शैतान। खून की कमी हो गई, लाल लाल पहनने लगी। और सदका दिया करो, भारी भारी चीजें उठाने लगी हो तुम। कृपया ध्यान दीजिए क्योंकि हमारा अगला एक्ट हिंदी में डब्ड है। ये डिस्कवरी हमारी तब हुई जब हमने मगरमच्छों के रिंग मास्टर को डिस्कवरी चैनल से रिसर्च करने के लिए यहाँ बुलाया। प्लीज वेलकम कुलदीप और शयंतिनी। नमस्कार, मैं हूँ लुई और ये है जेनी। स्वागत है आपका नेशनल ज्योग्राफिक पर। आप देख रहे हैं एनिमल प्लेनेट का विशेष कार्यक्रम। आज हम आपको एनिमल प्लेनेट की एक अनोखी शेर पर ले जाएंगे। जेनी क्या तुम तैयार हो? हाँ लुई, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। दरअसल 4 सालों से हम ऐसी प्रजातियों और ऐसे प्राणियों के ऊपर शोध कर रहे हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है और पलायन कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक रैटल स्नेक की प्रजाति के बारे में। वाकई ये बहुत रोमांचक होगा। ये लो। डराना भी। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है लुई, ये तुम्हारी तरह नहीं है। देखो इसका गला तो देखो कितना प्यारा है, कहीं ये गाना भी गाता है? नहीं नहीं, ये हिमेश की तरह नहीं है, जो चीज नहीं आती वो ये नहीं करता। लुई ये बेहद स्टाइलिश है और रहीस भी। पर ये नंगा क्यों घूम रहा है? लड़की के सामने गंदे घूमते हो, नंगे गंदे साफ कहीं के जाओ, दफा हो जाओ, जाओ मेरे दोस्त। लुई क्या आज के लिए इतना ही काफी है? नहीं नहीं जेनी, अभी तो बहुत सारे ऐसे जानवर और प्रजातियां हैं जिनके बारे में मैंने अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम देख नहीं रही हो, इस तरफ नजर डालो कितने सारे जीव हैं यहाँ पर। लुई वाओ, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। हाँ। मैं तो इन्हें देख ही नहीं पाई, ये तो कितने सारे हैं। तो क्या तुम इनके लक्षणों और प्रजातियों के बारे में जानना नहीं चाहोगी? लुई मैं वाकई बहुत बेताब हूँ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जो वहाँ बैठा है नीला वाला। हाँ। वो पंजाब के उत्तर पूर्वी इलाकों से आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसका पेट इन जीवों में सबसे बड़ा है। और खतरनाक बात यह है कि वो अजगर की तरह लहरा सकता है, वो लहरी है। बात क्यूट है। क्या तुमने एक बात देखी है? हाँ। इस समय में ना नर बहुत ज्यादा है और मादाएं बहुत कम। मैं मानता हूँ मादाएं बहुत कम है, लेकिन जितनी भी है बहुत खतरनाक है। अब तुम उसको ही ले लो जो चितकबरी लाल कलर की, जो उस काले नर के पास में बैठी है। कौन? वो नशीली आंखों वाली? तुम उसकी आंखों पर मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है। उसका एक विशेष लक्षण है, घर में घुसकर घर को तोड़ देना। क्या मैं इसे घर तोड़ू मादा कह सकती?
हो? हाँ जरूर। लुई लुई, वो पीली वाली, ये कौन है? तुम उसकी बात कर रही हो मेरे ख्याल से। हाँ। वो भी एक मादा है। पर वो आधा क्यों है? इसे पर्याप्त भोजन और अनुकूल वातावरण नहीं मिलने की वजह से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई। लुई, जरा यहाँ तो देखो। वाओ, यहाँ भी एक और मादा है और ये इन सब से अलग है। ये कितनी प्यारी है और इसका त्वचा कितना मासूम। वाओ। जेनी, तुम गलती कर रही हो, ये मादा बिल्कुल मासूम नहीं है। ये अपनी मादक त्वचा को ज्यादा से ज्यादा दिखाती है। और मैं बता दूं तुम्हें कि इस इलाके की एकमात्र मादा है जो सभी नरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। समूह के कई नर तो इसके चक्कर में आपस में लड़कर भी मर चुके हैं। हाँ हाँ, एक नर तो उसके पास ही मरा पड़ा हुआ है। नहीं नहीं जेनी, वो मरा नहीं है, उसकी शक्ल ही कुछ वैसी है। दरअसल ये जो नर है, इसकी और भी प्रजाति के लोग इस इलाके में आ गए हैं। ये इसी महाद्वीप के पाकिस्तान के तटवर्ती इलाकों से आते हैं। दरअसल ये जो है, ये पृथ्वी पर अपनी तरह का एक ही बचा है। ये तो देखो, ये तीन शावक कौन है? नहीं नहीं जेनी, ये शावक नहीं है, तो पूर्ण विकसित नर है। और वो जो बीच में बैठा है, वो लंबे बालों वाला नर? वो नर नहीं है, वो मादा है। वो दरअसल उसे दूर से देखने पर वो नर का एहसास देती है, लेकिन वो एक खतरनाक प्रजाति की है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो यहाँ बिचरते सभी जीवों का शिकार किसी भी क्षण कर सकती है। और वो कोई ऐसी मैसी मादा नहीं है, उसका मुंह सामान्य से 2/3 इंच ज्यादा खुलता है। और तुम देखो, उसके जबड़े बहुत सख्त हैं। वो कई घंटों तक लगातार हंस सकती है। नहीं, मेरी बात सुनो। वो कौन है जो उसके पास बैठा है? वो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। वैज्ञानिकों का इसकी प्रजाति के बारे में कहना है कि इसके पूर्वज गैंडों के साथ कबड्डी खेलते थे। नहीं, बिल्कुल मत जाना, वो बहुत भारी है, तुम उसके वजन कीजिए दब के मर जाओगी। और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, ये जो है थोड़ा आलसी किस्म का भी होता है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने ही आलसी रहता है, प्रजनन के समय में ये बिल्कुल फुर्तीला हो जाता है। लुई, लुई, उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया, वो कौन है? जेनी, तुम गलती कर रही हो, वो डॉक्टर शेखर सुमन है। वो कई दशकों से ऐसी प्रजातियों के ऊपर शोध कर रहे हैं। और कई बार वो शोध करने के लिए उन जीवों के बीच में रहने लगते हैं। हाँ, इसीलिए वो भी ऐसे हो गए हैं। नहीं, लेकिन ये बहुत हिम्मत का काम है जेनी। वाकई। लेकिन हमें जानना चाहिए, हम डॉक्टर साहब से खुद बात करते हैं कि हमने इन जानवरों का जो विश्लेषण किया इनकी प्रजातियों के, उसके बारे में उनकी क्या राय है। अति उत्तम। हो रहा है राइज, पर हमारे हरभजन परवेज खुरेद रहे हैं वही सेम ओल्ड स्पाइस, उनकी टशन विद आकाश साइमन। आइए देखते हैं इनकी टशन का एक नया कॉमिक इन्वेंशन। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकाश एंड परवेज। आउट दे ओए, मारा तेरे चपेड़ तेरे कंधे थले रख के। आउट दे। या या, ही इज राइट, आउट है, आईपीएल से आउट है, अब बहुत ही जल्दी इंडियन क्रिकेट टीम से भी आउट होएगा। वो तू हमारे कंट्री में क्यों घूम रहा है? मैं यहाँ पर आईपीएल खेलने आया हूँ। ओ वाह गौरव वाह, एक तो हमें गाली देते हो, ऊपर से हमारे कंट्री में आके पैसे भी कमाते हो। हाँ, तेरी जल रही है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पैसे में बिका हूँ। वैसे एक बात बताओ, खबरदार जो दीपिका के बारे में पूछा। नो, मैं दीपिका के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे गाली क्यों दी, मुझे मंकी क्यों बुलाया।
और रहने दे मंकी, कह के मैं बंदरों से रिलेशन खराब कराऊंगा। और मैंने मंकी नहीं कहा था, मैंने कहा था माँ की। माँ की? हाँ, युगराज सिंह ने मुझसे पूछा पवेलियन से, ओ गुरु केड़ी दाल खा के आया है? मैं कहा माँ की। वैसे रहने दो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। देखो हाँ, इस मामले से हम दोनों फेमस हो गए और हमारे रेट भी बढ़ गए। ये सब बातें छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। खबरदार जो दीपिका के बारे में पूछा। ओए तू अपने होंठ देख, दही में मुंह मार के आया। कहीं चूने की लस्सी तो नहीं पी तूने? चूने का लस्सी? और तेरे बाल देख, हैं? बाल देख, किसी सस्ते मजार का मलंग रख रहा है तू। तेरे जैसे मलंग ना हमारे चौक पे फिर रहे होते हैं। एक बॉल मारेगा तो दो बॉल के साथ पवेलियन के बाहर चले जाएगा। आराम से खड़ा रहे, ओए लड़ना है ना तो हमारे छुटकू से लड़के दिखा। छुटकू कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर वो बोना। अरे उसका तो हाथ मेरे गाल तक भी नहीं पहुंचेगा, वो मुझको थप्पड़ क्या मारेगा। हाँ, जहां तक पहुंचेगा वहां मार मार के लाल करता है कि नहीं। वैसे ये सब बात छोड़, एक बात बता। खबरदार, मैं दीपिका के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। क्यों नहीं पूछ रहा यार? अरे जब भी पूछ रहा है तुम बोलता है नहीं पूछने का, नहीं पूछने का। मैं तो चाह रहा हूं कि तू पूछे, इसी बहाने मैं बोलूं कुछ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, एक अकेला आदमी टीम में मैं हूं जिसके साथ उसका नाम नहीं जुड़ा। मेरा दिल कर रहा है कि तू पूछे, उसके साथ मेरा नाम जुड़े। ए, मेरे को भी उसके साथ अपना नाम जोड़ना है। उसके वेटिंग लिस्ट में बहुत लंबी लाइन है, मेरा खुद 16वां है। तो मेरा नंबर कब आएगा? ऊपर वाला जब चाहेगा, फिलहाल इनसे नंबर ले ले। मेरा नंबर? थैंक यू। क्रिकेट के इन महान प्लेयर्स के नाम कुछ छक्के चौके हो जाए। अर्चना, पिछली बार यू डिडंट डू वेल, हां आकाश और परवेज, लेकिन निकल गए थे पतली गली से। वो पतली गली तुमने यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर ले आई है, और वो पतली गली काफी चौड़ी हो गई, बिकॉज यू डिड अ गुड जॉब बोथ ऑफ यू। थैंक यू। सो आई एम गोना गिव यू अ पॉइंट। थैंक यू वेरी मच आकाश, यू आर ट्रूली सरप्राइज्ड मी, यू आर द सरप्राइज पैकेट ऑफ द इवनिंग। गुड परफॉर्मेंस। 8 points। थैंक यू। मैं भी ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझे सिर्फ खुशी इस बात की है कि आपको एक मौका मिला वापस आने का, और आपने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैं भी आपको 8 दूंगा। ये 8 points, congratulations। थैंक यू वेरी मच। सोचिए अनारकली को दीवार में चुनवाने के बाद क्या हुआ होगा। जब वो बाहर निकली तो वक्त बदल चुका था, और रात को रिश्वत खाने के चक्कर में हरियाणवी हवलदार रुका हुआ था। अब किसने बजाए किसके 12, खुद ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम अपरा एंड शैलेश। ज्यादा बकवास कर रही है कि रूट बिजी है, रूट बिजी है। बाढ़ में मैंने बहुत कच्चे रूट पे गाड़ियां चलाई है, रूट बिजी है। अंग्रेजी बोल रही है लाइन हाजिर। अरे मैं जानता नहीं कौन है, नाम बताते रहा है, कौन है तू? फोन काट दिया साली ने। कौन है भाई? आप हमारा एक छोटा सा काम करेंगे? किस किस का काम करूं मैं? सीओ कहता है ड्यूटी करो, जनता कहती है क्राइम कम करो, लुगाई कहती है कुछ तो करो, क्या करूं मैं? बात कर रही से हम आपसे ये कहना चाहते थे कि हम, तू प्लूरल टेंस में आ गई एकदम से, बहुवचन हो गई। वैसे तू सिंगल भी हम ही है वैसे तो। हम आपसे ये कहना चाहते थे माँ बदौलत, खाली माँ की बदौलत ही पैदा हुई है, और तेरे बाप ने कुछ किया ही ना है। सही बता, तू चाहती क्या है ये बता भाई। हम मुगलिया सल्तनत के चश्मो चिराग साहिब आलम से मिलना चाहते हैं। वो कौन से साहब से मिलना चाहती है भाई? डिप्टी तो लुगाई के साथ फिल्म देखने गया है, एसपी साला बाथरूम से बाहर ना आता, उससे बड़ा साहब मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। कौन से साहब से मिलना चाहती है भाई, एग्जैक्टली बता तू। मुगलिया सल्तनत के जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें प्यार से सलीम कहकर पुकारते हैं। 17 नाम तो ले लिए तूने भाई, किससे मिलना चाह रही है तू? तू है कौन, तू ये बता। हम अनारकली हैं। अनारकली? मुझे तो अनार किला लागे, कितने लोगों ने फतह किया तेरे को ये बता तू। अच्छा छोड़, तू नाम वाम की छोड़, तू करती क्या ये बता दे मेरे को। हम
एक शहजादे के प्यार में खूब नाचते थे दरबार में, प्यार किया तो डरना। भाई 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 भाई, ओ ओ ओ ओ ओ, मैं समझ, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, फ्लोर कमजोर है, रुक जा, मैं समझ गया, दरबार में तू बार में नाचती थी, तू बार डांसर से, मेरे को तेरे डील डोल से लग गया था, तू बार डांसर से। ये भला बार किसे कहते हैं? बावली पूछ बार ना जानती तू? हैं, बार वो चीज होती है, एक बार घुस जाता ना आदमी तो घर बार भूल जाता है। पूछ जरा शेखर सुमन से, बताएंगे बार क्या होता है। अब तो हमें सलीम से मिलवा दीजिए। सलीम, अनारकली, दीवार, ओ भाई 400 साल हो गए, तेरे को पता है कि नहीं, इस कहानी को 400 साल हो गए। 400 साल? गिरना मत भाई, चार कांस्टेबल दब के मर जाएंगे। 400 साल हो गए, 400 साल बाद तेरे सलीम को जिंदा कर दू, पुलिस वाला हूँ कोई, मैं एकता कपूर को न्या हूँ। अब मैं गरीब कहाँ जाऊँ? मेरे घर को छोड़ के कहीं भी चली जा भाई। इससे तो अच्छी थी मैं मिट्टी की दीवार में, आज लगता है फिर से खड़ी हो गई हूँ मैं बाजार में। सही कहा अनारकली बहन, सही कहा, तब भी कनीज ही मरती थी, कोई शहजादी ना मिली, और इतने साल बाद भी औरत को आजादी ना मिली। प्यार किया तो करना क्या जो? एक मिनट भाई, ओ ओ रुक जा, ए भाई, दो औरतों को आजादी मिली हुई है, एक को ठाक के लगाने की, एक को बीच मारने की, आ जा भाई जल्दी आ जा। अर्चना, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? द सिचुएशन इनहेरेंटली वॉज ह्यूमरस, बट देर वॉज नॉट दैट मच दैट आई फाउंड वेरी हा हा फनी, यू नो, सो यू गोना गेट एन 8। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। ये आपका जो ये पूरा एक्ट था, जो सटायर था, वो सुनने वाला था, हंसने वाला इतना नहीं था, ऐसा मुझे लगा। तो इसीलिए मैं अभी आपको जो भी मार्क्स दूंगा वो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के दे रहा हूँ, 8। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बावड़ी पूछ, ये सब कह गया, मैं क्या कहूँ। नंबर दे दे बस। अनारकली के का कैरेक्टराइजेशन भी सही नहीं था, और उसके पास ह्यूमरस लाइंस भी नहीं थे, बहुत सारे शब्द आए जहाँ आपको नुक्ता लगाना चाहिए था, तो वो ये चीजें मैंने मेंशन नहीं और की। और उर्दू शब्द में जब नुक्ता न लगाया जाए खत्म हो जाता है, खास तौर पे तो, हाँ, तो वो फिर कानों को खलता है, तो वही तलफ्फुज सही ना होना तो सुनने का मजा नहीं आता। आई विल गिव यू अ 7। इस बार मीडिया की सीढ़ियां कौन चढ़ेगा पहले, इसमें हो रही है खींचातानी। ये सनसनी लेकर आ रहे हैं रिपोर्टर राजीव फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रिपोर्टर राजेश फ्रॉम प्रिंट मीडिया। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश एंड राजीव। कैमरा क्लोज। मेरा नाम है रंजन त्रिवेदी, और इस समय आप जो दिल दहलाने वाला दृश्य अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पर दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ बाढ़ का पानी बह गया है, और यहाँ पे सारे लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, यहाँ तक कि खूबसूरत लड़कियां भी वेस्ट हो गई हैं, डूब गई हैं। चलिए मिलते हैं हमारे एक चश्मदीद गवाह से, उनसे जानते हैं कि क्या उनके परिवार का भी कोई सदस्य इस पानी में डूब गया है, जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बताइए भाई साहब, आपने क्या देखा? चश्मा ऊपर रखिए, आप चश्मदीद गवाह हैं, बताइए। देखिए, यहां पर मेरी बच्ची जो है, इनकी जवान बच्ची जो बचपन में ही इस बाढ़ में डूब गई है, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल के आप कवरेज करके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप बाढ़ के कवरेज दिखा रहे हैं लोगों को? यहां पर असम में बाढ़ आई हुई है, वहां पर आप लोग नहीं जाते, ये सब क्या हो रहा है? ये कैमरा ऑफ। आप कौन है? देखिए, मैं पत्रकार हूं, प्रिंट मीडिया में लिखता हूं मैं। दूर हटो। दो कौड़ी में बिकने वाले अखबार जितना आप लोग लिखते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। देखिए, आप अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें। किस पे क्या रखें? देखिए, आप ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा उचित होगा। फ्रस्ट्रेशन, एब्सोल्यूट फ्रस्ट्रेशन आई कैन सी, क्योंकि आप लोगों के यहाँ खूबसूरत लड़कियां नहीं होती है ना, खुसट बुड्ढे होते। लिख लिया, लिखो न्यूज लिखो। आप लोगों के यहाँ खुसट नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, और वो जो प्रभु चावला है उसका एक प्रोग्राम आता है सीधी बात, वो सीधे मुंह तो बात करता नहीं किसी से। कैसे करेगा जब उसका मुंह गोल है? उसकी बातों में झोल है। 5 रुपए किलो में बिकता है आपका अखबार, और जब बासी हो जाता है तो लोग उस पर जलेबी रख के खाते हैं।
और आप लोग तो न्यूज को बासी होने के बाद उसी को जलेबी जैसा घुमाते रहते हैं। देखिए हम लोग 24/7 24 घंटे न्यूज दिखाते हैं। घंटे की न्यूज होती है। What? मतलब 23 घंटे तो बकवास ही दिखाते हैं ना आप लोग। हम लोग कहीं भी सबसे तेज सबसे पहले पहुंच जाते हैं आप लोगों से। आप लोग कैसे पहले पहुंचते हैं ये सब मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों अभी ट्रेन पलटी थी इलाहाबाद में और आप लोग कैमरा लेके खड़े थे बनारस में। उसमें हमारी क्या गलती है? जब मेरी खुद ट्रेन ड्राइवर से बात हुई थी कि जब जहां हम कैमरा लेकर खड़े रहेंगे तुम ट्रेन वहीं पलटाना, वो अपनी बात से पलट गया तो हम क्या कर सकते हैं? देख रहे, इसका मतलब आप लोग फर्जी खबरें बनाते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं, जनता के साथ चीटिंग करते हैं आप लोग। हम चीटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर का नाम रखते हैं मिड डे और सुबह 6 बजे दूध वाले के साथ भेज देते हैं। और आप लोग लोगों को चैन से सोने भी नहीं देते हैं। आपके चैनल में वो एक दुबला पतला ड्राई फ्रूट सा मरियल जैसा आदमी रात में आता है, बोलता है चैन से सोना है तो जाग जाओ। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गड्ढे हैं उसमें जब बच्चे गिरते हैं तो सबसे पहले हम पहुंच के बोलते हैं हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम। वो गड्ढे भी आप लोग ही खोदते हैं। आज देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर आपने कुछ लिखा, कुछ दिखाया आपने? बिल्कुल दिखाया है। क्या दिखाया है? हमने वो वाला गाना 8 दिन तक लगातार दिखाया था। कौन सा? बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बस कीजिए, देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार भूखे मर रहे हैं और गली गली में शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। अमर सिंह को देखो, बच्चन के घर में घुसा बैठा है और गोपीनाथ मुंडे फोकट में बैठा है। केपीएस गिल ने हॉकी का बैठाल दिया है बंटा और क्रिकेट खिलवा रहा है शाहरुख खान और प्रीति जिंटा। आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुंबई से भगाने का लोगों का प्राण नचा जा रहा है। मिले बंद हो गई तो कुछ नहीं, और डांस बार बंद हो गए तो इंसान मरा जा रहा है। और वो सरबजीत को फांसी पे लटका रहे हैं और हम एक उनके साथ कूल्हे मटका रहे हैं। किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर है और कृषि मंत्री को देखो क्रिकेट के नशे में चूर है, जिसे देखो वो जनता को बरगला रहा है न्यूज के नाम पे, सिर्फ नंगा नाच दिखा रहा है। और जिस चैनल को देखो वो टीआरपी के लिए मरा जा रहा है। कोई तो देखो मेरा देश कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। तो देखते हैं भाई हमारे जजेस को ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। अर्चना, राजेश एंड राजीव, मैंने पिछली बार आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिए थे, हाँ, and you got a very good response from us. This time I am not so amused by the act. It had peaks and valleys, peaks and valleys. I'm going to give you a 7. Thank you. आपने सब्जेक्ट ही ऐसा चुना था जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा था, लाफ्टर कम थे, इसलिए कुछ बातों को नजरअंदाज करके मैं आपको 8 दूंगा। 8 पॉइंट। थैंक यू। ऐसे शो में इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, पर मैं समझता हूं कि ज़रूरत है हम लोगों को कुछ अलग करने की। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ये एक कॉमेडी शो है, आप बात संजीदगी की ही करें, लेकिन आपका स्टांस जो है वो ह्यूमरस होना चाहिए। बट आई विल गिव यू स्टिल 9 पॉइंट। चलिए जोरदार तालियां हमारी इस टीम के लिए। इससे पहले कि एलिमिनेशन की ओर बढ़े, शान ए शकील से एक आखिरी राउंड हो जाए, आइए। आइए प्लीज, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल करने से पहले मैं पहले इन दोनों को मुबारकबाद दूँ, बहुत अच्छा किया भाई आप लोगों ने। तो ये बताइए। ये नहीं बताऊंगा। राजीव क्या हाल है, किस जुर्म में मुंह काला हुआ है? आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मेरा मतलब क्या आपसे कभी किसी ने मोहब्बत की है? मोहब्बत की है? क्या लड़कियां मतलब? मेरे पीछे भागती हैं। लड़कियां आपके पीछे भागती हैं? जाहिर है, जब उसका पर्स लेके भागूंगा पीछे नहीं भागेगी। तो मरती हैं लड़कियां आप पे बीमारी से। आपकी शादी हो गई? नहीं, मैं गेहूं थोड़ी खाता हूं। क्या मेरी नहीं होगी? क्या मैं दुनिया में आम लेने आया हूं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 1, 2, 13। 13 बच्चे? बस लड़की के अब्बा से वादा करके लाया था कि आपकी बच्ची को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। थैंक यू, बहुत अच्छा भाई। मैं एक दफा सबके लिए सबको मुबारकबाद दे दूं। आप लोग सबों ने बहुत अच्छा किया है, आज जो भी जाएगा रोना नहीं। वेल, हमारी जोड़ियों ने अपनी दिल की बात बता दी है कि उनके हिसाब से कौन सी जोड़ी का परफॉर्मेंस था सबसे वीक। आइए जानते हैं।
राजीव और राजेश। आई थिंक सो। मेरे हिसाब से अपरा और शैलेश को मैं कटघरे में खड़ा करूंगा। राजीव कामिया, सॉरी। हमारे अलावा किसी और का नाम लेना ही है तो राजेश और राजीव। राजीव कामिया बेटर हो सकते थे, काफी बेटर हो सकती क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा कामिया का वो फन नहीं आया। राजीव ठाकुर और कामिया का थोड़ा सा मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक लगा। तो मेजॉरिटी के हिसाब से वो जोड़ी जिनकी परफॉर्मेंस आज थोड़ी कमजोर थी वो है राजीव एंड कामिया। प्लीज आ जाइए स्टेज पर। अनफॉर्चुनेटली आज आप दोनों हैं हमारी पहली अनसेफ जोड़ी। अब जजेस टैली और ऑडियंस स्कोर के हिसाब से एलिमिनेशंस में आपको टक्कर देने जो दूसरी अनसेफ जोड़ी आ रही है वो है आकाशदीप और परवेज विद द सेकंड लोएस्ट स्कोर। प्लीज स्टेज पर आ जाइए। दोनों अनसेफ जोड़ीज खड़ी हो गई हैं आमने सामने। कौन कॉमेडी सर्कस में सिर कस लेगा और कौन हमें आज छोड़कर चला जाएगा। तो राजीव आपकी और कामिया की अब कॉमेडी सर्कस की डेस्टिनी आपके हाथ में है। एंड परवेज एक बार फिर अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर आ गई है। तो तैयार हो जाइए हमारे डेडली एलिमिनेशन के स्टैंड अप राउंड के लिए जिसमें सबसे पहले आएंगे राजीव। कामिया जाने से पहले जरा मुझे बताइए आपको लगता है कि राजीव आपकी टीम को बचा पाएंगे? अगर हम चले भी गए तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि इसके पहले की हमारी जो दो परफॉर्मेंस थी उसमें हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर हमारी जगह अगर आकाश और परवेश चले गए तो मुझे बहुत दुख होगा। तो एक बार जोरदार तालियां राजीव के लिए। बम्बई में मैं बिल्कुल नया नया हूँ क्योंकि पंजाब से आया हूँ तो ये बम्बई की लड़कियाँ देखिए वाह 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 कंधे से कंधा मिला के बैठती हैं। हमारे पंजाब की लड़की कंधे से कंधा मिला के बैठे सही लड़का उसी को मारती है चल बे। यहाँ पर लड़कियां करती हैं डाइटिंग हमारे वहां करती हैं बाइटिंग। ये कुछ खाती नहीं है वो कुछ छोड़ती नहीं है। ये इतना कम खाती हैं खा के इतनी पतली हो जाती हैं। हॉकी खेलने जाती हैं ना निक्कर डाल के तो तीन तीन हॉकियों के साथ खेलती हैं। एक हॉकी हाथ में दो निक्कर में डाली होती हैं। और हमारे पंजाब में इतना खा लेती है निक्कर उन्हें आती नहीं है। घाघरे के साथ हॉकी खेलती हैं दो मिनट के बाद गेंद ही गुम हो जाती है कहाँ गई। और यहाँ की लड़कियां अच्छा इतनी प्लेन हो जाती ना यहाँ से बाजू देखिए प्लेन हाँ ऐसे ऐसे मक्खी यहाँ पे बैठेगी फिसल के यहाँ पे। वो माफी मांगती है सॉरी बहन जी मैंने कंधे पे बैठना था मैं आपके कलाई पे आ गई। और हमारे वहां ये उन्हें करना ही नहीं आता कुछ पता नहीं आप क्या करते हो। उनकी उनकी बाजू पे इतने बाल होते हैं ऐसे लगता है जैसे गलीचा बिछा हुआ है कारपेट। और उनके ऊपर पानी की बूंद छोड़ दीजिए जोधा अकबर खत्म हो जाएगी पानी की बूंद नीचे नहीं आती। थैंक यू सो मच। तो ऑडियंस आपने राजीव की परफॉर्मेंस देखी अब आप पर डिपेंड होता है कि कामिया और राजीव हमारे साथ अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे या नहीं। तो प्लीज सोच समझ के उन्हें अपने वोट्स दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो राजीव ने तो अपनी परफॉर्मेंस यहां कर ली अब बारी है परवेज की। जोरदार तालियों से उनका हौसला बढ़ाइए। अब देखें जिसका जैसा मुंह होता है ना उसको वैसे ही कैरेक्टर मिलता है। अब क्षति शाह साहब हैं विलन के रोल में आ सकते हैं अर्चना जी हैं माँ के रोल में अब तो आ ही सकती हैं। हर हाल में सर ये तो सदियों से हीरो आ रहे हैं आते रहेंगे मुझे लग रहा जगह नहीं छोड़ना किसी के लिए। सबके शकील भाई का मुंह देखो ये भी फिल्म में आ सकते हैं लेकिन सिर्फ तस्वीर टंगी होगी नीचे माला पड़ा होगा और नीचे लिखा होगा सन 1947 के युद्ध में रामू काका बिला वजह मारे गए।
जैसा मुंह होता है वैसे करेक्टर मिलता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। अब देखें मुंह, जितना जिस्म के शरीर का हिस्सा है ना, उसके सारे एक्सप्रेशन मुंह पे होते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं। अब किसी को कान खुजाते हुए देखो, सीधा खुजा लो यूं, ये करने की जरूरत क्या है? बम फोड़ने जाओ, बम फटा नहीं है, पहले ही उसकी हो गई। इंजेक्शन किसी को लग रहा मुंह उसका बना। अबे लग उसको रहा, तुझे क्या है? सही बता रहा हूं, अभी चाय मुंह तक आई नहीं है, मुंह पहले बन जाएगा। अबे तूने चाय पीना, चाय पी ले, तेरी चाय है, कोई छीन के भाग रहा है क्या? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऑडियंस ने अपना डिसीशन ले लिया है। कैन आई प्लीज हैव बोथ द जोड़ीज ऑन स्टेज अगेन। काम्या और राजीव या आकाशदीप और परवेज, इन दोनों जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी को हमारी ऑडियंस ने बचाया? तो ऑडियंस के स्कोर्स के हिसाब से जो जोड़ी आज हम सबको छोड़कर जाएगी वो काम्या और आकाश दोनों की जोड़ियों में से कोई नहीं है। बोथ द टीम्स हैव हैड अ टाई। सो काम्या एंड आकाश वेलकम बैक, एंड राजीव एंड परवेज, आप दोनों ने एक दूसरे को एक बार फिर से टक्कर की कंपटीशन दी और हम चाहते हैं कि ये कंपटीशन आगे बढ़ता रहे, तो प्लीज अपने बाकी जोड़ीदारों के साथ वहां पर चले जाइए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर काम्या एंड राजीव एंड आकाश एंड परवेज। Goodbye and keep laughing. Comedy Circus, आपका वीकली लाफ्टर फ्यूल यूं ही भरता रहेगा। We'll see you next week, same time, same channel. Bye bye and take care.